हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आपकी दुआ से मस्त हूँ और स्वस्थ भी हूँ। देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ, बताइए आप कमेंट्स करके ये क्या है। चलो मैं ही बता देती हूँ, ये है चप्पन कद्दू। मैंने इनको अच्छे से छील कर धोकर काट लिया और ये लहसुन कूट कर उसमें मसाले डाल लिए, बेसिक मसाले ही डाले हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक और हल्दी। गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी। ये मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें सरसों का ऑयल डाल लिया, मैंने हरी मिर्च बारीक काट कर अच्छे से भून लूंगी ताकि इनका कड़वापन दूर हो जाए। अब ये मैंने मसाला डाल दिया जो लहसुन के साथ मैंने मिलाकर रखा था और इनको भून लूंगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखो ऑयल कुछ अलग होने लगा मसाले से। अब मैं इसमें भूनने के बाद थोड़ी सी मलाई डालूंगी, 2 चम्मच के करीब, ताजा मलाई है ये घर की। 1 चम्मच में अभी डालूंगी, 1 चम्मच में बाद में डालूंगी। मलाई से हरी सब्जी में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, आप डालकर जरूर बनाकर देखिए। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट्स जरूर करें ताकि मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं। देखिए मसाला भुन चुका, मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया। अब मैं ये कटे हुए चप्पन कद्दू इसमें डाल दूंगी और इनको मिला लूंगी। भाप में ही बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको। अब देखो 1 चम्मच मलाई मैंने और डाल दी, उसको ढककर थोड़ी देर पका लूँगी। थोड़ी देर में ये पक जाएगी। देखिए सब्जी तैयार है, कितना अच्छा कलर आया सब्जी का। अब मैं इस सब्जी को सर्व कर लेती हूँ। ये साथ में मैंने भिंडी भी काट के रखी है क्योंकि मेरी बेटी चप्पन कद्दू नहीं खाती, उसके लिए मैं भिंडी बनाऊंगी। भिंडी की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की हुई है, वो आप मेरे पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो मैं बस ये वैसे ही छोक दूंगी, इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने भिंडी की। ये मैंने हरा धनिया काट कर धोकर रखा था, ये इस पर डाल दूंगी। अच्छी लगी मेरी सब्जियाँ? अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू आप सब लोगों का।